दिल्ली में कोरोना वायरस के आज 25,000 से ज़्यादा केसेस एक दिन में आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज़्यादा केसेस आए थे। दिल्ली में कोरोना के मामले हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बेहद भयावह होती जा रही है। जितना मुश्किल ये दौर आम लोगों के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल उन डॉक्टर्स के लिए है जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इलाज ना सिर्फ आज कर रहे हैं, बल्कि करीबन 1.5 साल से इसी तरह से जी जान से लोगों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स हमारे साथ में हैं, डॉक्टर दंपति डॉक्टर समीर कालरा जी और उनकी पत्नी डॉक्टर वंदना कालरा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कितना मुश्किल ये पूरा वक्त उनके लिए रहा है और कैसे उन सारी चुनौतियों का वो सामना कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से पूरा 1.5 साल मुश्किल रहा है, अब जो फ़िलहाल वक्त चल रहा है वो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग आ गया है। किस तरीके से आप लोग मेंटल प्रेशर भी डील कर रहे हैं और पेशेंट्स को भी डील कर रहे हैं? इस समय इतना मेंटल प्रेशर है कि एक तो हम थक चुके हैं, 1.5 साल से इस चीज़ को हम फेस करते करते, इतनी सब एडजस्टमेंट्स करते करते, बीच में कुछ टाइम ऐसा आया था जो कुछ चीज़ें ठीक हुई थी, लेकिन आई थिंक अभी पब्लिक अवेयरनेस उतनी नहीं है, तो अब वापस से वो सिचुएशन, बल्कि पहले से भी ज़्यादा गंभीर सिचुएशन आती जा रही है। तो इस समय सिचुएशन बहुत ख़राब है और हमें बहुत मुश्किल से इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। सर, आप गंगाराम हॉस्पिटल में हैं। गंगाराम हॉस्पिटल जो है कोविड के कई सारे मरीजों को इतने साल से देखता रहा है। आपके पास भी कई सारे मरीज़ आते रहे हैं। कोरोना वॉरियर का टैग ज़रूर दिया गया है, लेकिन कितना ज़्यादा मुश्किल आपको पारिवारिक तौर पर ये साल रहा है? देखिए, बहुत मुश्किल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़े। अब जैसे आप देख रहे हैं, जैसे हम घर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हम घर के बाहर ही सब कुछ चेंज करते हैं, घर के नीचे ही सारा कुछ चेंज करने के बाद नहाते हैं और फिर अपने फैमिली से ऊपर जाके मिलते हैं, और ये लगभग हर रोज़ का अफेयर है। और जितनी बार भी, चाहे मुझे एक मरीज़ देखने के लिए भी जाना पड़े, हालांकि हॉस्पिटल पास में है, जब भी मैं जाता हूँ मेरे को वही रूटीन पूरी की पूरी वापस फॉलो करनी है। वहाँ जाकर मेरे को पूरा पीपी किट पहनना है, ऑपरेशन टाइम में भी, जैसे अगर हमने कभी सर्जरी करनी है तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमें ये भी नहीं पता होता कि पेशेंट पॉजिटिव है या नहीं है। कई बार इतने सीरियस पेशेंट्स होते हैं, हम बिना वेट किए ही ऑपरेट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम पूरा प्रिकॉशन लेते हैं, और पीपी किट पहनना अपने आप में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। और हमारी सर्जरीज जैसे आपको मतलब हैं, बहुत लंबी चलती हैं, तो ऐसी लंबी सर्जरीज में कई बार बहुत एग्जॉशन हो जाता है, हीट इतनी हो जाती है, कई बार ब्रेथलेसनेस हो जाती है। इट हैज़ बीन वेरी टफ। हमारे साथ समीर कालरा जी की वाइफ भी हैं, वंदना जी। मैम, क्योंकि आप दोनों एज अ कपल डॉक्टर हैं, परिवार में आपके लिए बेहद मुश्किल रहा होगा ये पूरा टाइम, कि कैसे आप बच्चों से मिल पाते हैं, कैसे उनके लिए खाना बना पाते हैं, वो चैलेंजेस कैसे रहे हैं आपके? देखिए, कोरोना टाइम्स में क्योंकि हम दोनों ही हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि जब एक हॉस्पिटल में गया है तो आपके मन में एक हमेशा एक डर सा रहता है कि कोई वापस जब आएँ तो कोरोना शायद ले करके आएँ, जो कि हम अपने परिवार को न दे दें। तो उसके लिए जो हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं वो बहुत एग्जॉस्टिव हैं। मतलब पूरा का पूरा सब चेंज करना, सारा कुछ सैनिटाइज करना और फिर अपनी फैमिली से मिलना, एंड एज अ फैमिली बिकॉज डोमेस्टिक हेल्प्स की भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं इस टाइम पर, तो वो सारा काम भी, घर का काम भी सारा खुद करना अपने हाथ से, एंड प्लस एक डर लगा रहता है कि आपका जो स्पाउस है जब वो हॉस्पिटल में गए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें कुछ हो जाएगा या आपको कुछ हो जाएगा, तो आपकी फैमिली का आगे क्या सपोर्ट सिस्टम है। जो हॉस्पिटल जो कि बेड्स में इतने भरे हुए हैं, कभी कभी हमें ये भी डर रहता है कि कभी कभी आगे चल के हमें कुछ हुआ तो हमारा इलाज कौन करेगा, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा इशू रहता है। दूसरा, हमें अपने बच्चों में ट्रांसफ़र ना कर पाए, कर दें इस कीटाणु को, वो भी एक डर हमेशा बना रहता है। तो बच्चों से दूर रहना, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना, बच्चों को घर में लिमिट करके रखना, वो भी एक एक चैलेंज है। मैम, जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें हैं वो ऐसी आ रही हैं कि लोग भीड़ जमा रहे हैं, ना सिर्फ दिल्ली की बात, अगर हम बात करें उत्तराखंड में चल रहे कुंभ की या फिर चुनाव की रैलियों की, तमाम जगह पर भीड़ जुटती जा रही है और कोरोना के आंकड़े भी उसी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जब तस्वीरें आप देखते हैं, डॉक्टर्स होकर आप देखते हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
कहीं कहीं बहुत अफसोस होता है कि इतने सारे डॉक्टर्स और उनकी फैमिलीज ने लगभग पिछले 1.5 साल में इतना सैक्रिफाइस किया है. सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, हेल्थ केयर वर्कर्स सब जगह, इवन पुलिसमैन, आईएएस ऑफिसर्स, जो लोग भी इस कोरोना वॉर में शामिल हैं, उन सब ने इतना सैक्रिफाइस किया है अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी खुद की लाइफ को. लगभग 700 के करीब डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं. उसके बाद भी अगर लोग नहीं इस बात को समझते कि जो प्रिकॉशंस बताई जा रही हैं वो उन्हें रोकने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं हैं, वो उनके भले के लिए हैं, तो ये थोड़ा सा दुखदायी होता है. एंड हमारी तो जनता से यही अपील है कि कम से कम इस समय में भीड़ ना जुटाएं. शादी, ब्याह, खुशी के मौके अपने घर में सेलिब्रेट कर लें, अपने क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में, अपने घर के माहौल में सेलिब्रेट करें, रादर देन यू नो भीड़ इकट्ठा करना और एक दूसरे को बीमारी बांटना. क्योंकि इस वक्त, इस बार का जो वायरस है वो पहले से कहीं ज़्यादा इन्फेक्शियस है. सर, आपके पास अगर हम आज के केसेस की बात करें तो पहले से नंबर्स हर जगह पर डबल हो गए हैं, तो ज़ाहिर तौर पर आपके पास जो केसेस आ रहे हैं वो भी कहीं ज़्यादा तादाद में आ रहे होंगे. क्या कुछ लोग कह रहे हैं और उनके भीतर का डर क्या है? देखिए, इस समय फियर तो है, लोगों में बहुत डर है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस वो अभी भी उतने नहीं ले पा रहे. मतलब हमें ये प्रिकॉशंस एनफोर्स क्यों करने पड़े, हमें खुद ही समझ में आना चाहिए. आप ये देखिए कि इस टाइम हॉस्पिटल में कहीं बेड की कोई पोजीशन बहुत ख़राब है और इवन किट्स भी अवेलेबल नहीं है. अगर आपको PCR टेस्ट भी कराना हो तो इस टाइम किट्स भी अवेलेबल नहीं है, पूरी फुल है, लोग लाइन में वेट करके करवा रहे हैं. और ये वायरस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है पिछले वाले वायरस से. तो मतलब हमें कुछ तो इसको खुद से ही सोच लेना चाहिए. हम सरकार को क्या ज़रूरत है ये करने की, हमें खुद को समझना चाहिए कि हमें इसको रोकना है. देखिए, डॉक्टर्स जो हैं वो अपना काम ज़रूर कर रहे हैं और लगातार अपने काम में जुटे हैं आपकी और हमारी जान बचाने के लिए, लेकिन अपील भी डॉक्टर्स कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर ना जुटें, जितना हो सके अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहें. कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली. ABP News, आपको रखे आगे.